जनाबे वाला, एक तरफ मुल्क में जाड़ा अपने जुबन पर है तो दूसरी जानब सियासी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। पंजाब में तहाल निगरा हुकूमत का तायुन ना हो सका, केपी असेंबली भी तहलील हो गई है। इमरान खान अपोजिशन को भरपूर टफ टाइम दे रहे हैं, अपने मुताबिक इलेक्शन से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध की सियासत में भी पूरा इंतखाबात के बाद अब मेयर की जंग छिड़ गई है। पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर भरपूर किस्म के इल्जाम लगा रही है। मामला कहां जाकर रुकेगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कब आएगा, ट्रांसमिशन में आज तमाम मौजू हैं क्योंकि पंजाब असेंबली भी तहलील हो चुकी है, केपी असेंबली भी तहलील हो चुकी है, 35 के करीब जो है वो कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और यह कहे कि मंजूर कर लिए गए। पंजाब में निगरा वजीर आला कौन बनेगा और कराची में मेयर किस जमात का होगा, इसी पर मजीद बात करेंगे। जनाब खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले राजा इमरान कराची में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे, जरा उनकी तरफ चलते हैं, उस तरफ चलते हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। राजा बताइएगा, ये एहतजाज हो रहा है और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात कह रही है कि सही इलेक्शंस नहीं हुए, जमात इस्लामी भी इस बात का ऐलान कर रही है कि जनाब उनकी नशिस्तें कम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं कह रही है कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। आज जो एहतजाज हो रहा है उसमें कौन कौन सी जमात? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर आर ओ ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त जमात इस्लामी और पीटीआई के कारकुनान हैं और साथ ही साथ में पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी नजर आए। तमाम ही जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर रिकाउंटिंग का बस्ता था सफूरा की UC-1 का, उसके हवाले से जो है जमात इस्लामी की जानब से ये कहना है कि क्योंकि इसमें चैलेंज अगर तो पहली जो जीतने वाला है सेकेंड जो पार्टी होती है सेकेंड रनर आप होती है वो चैलेंज कर सकती है, लेकिन तीसरे नंबर पे जो पीपल्स पार्टी थी उसने चैलेंज किया है। इस हवाले से यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो है एहतजाज के हवाले से भी कॉल दी गई है पीटीआई की जान से। इस वक्त मेरे साथ जमात इस्लामी के कारकुनान भी मेरे साथ मौजूद हैं और पीटीआई के, इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। सर ये बताइएगा एहतजाज पे हैं इस वक्त, क्या कहेंगे, क्या मामला चल रहा है? मैं वाइस चेयरमैन मुंतखब हूँ जमात इस्लामी UC-8 सफूरा टाउन से और यहाँ पे जो है ना अंदर बैठे हुए हैं पुलिस के SP सलीम शाह साहब, पूरी उनकी टीम बैठी है। मंजूर चांडिया पीपल्स पार्टी का वर्कर है, उसकी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं। दो दिन पहले उसने जलसे से 3 दिन पहले खिताब किया है और वो आके अंदर धांधली करवा रहे हैं बोगस, और हम जीते हुए हमारे पास रिजल्ट मौजूद है, फार्म 11-12 मौजूद है, उसकी तस्दीक हो चुकी है। DRO साहब जो है, DC साहब, DC East राजा तारिक चांडियो साहब का DRO पे प्रेशर है और उसमें आके जो है ना वोल्डिंग के लिए दोबारा गिनती के लिए जा रहे हैं। जाली रात भर ये ऑफिस खुला हुआ है, समा पे इसकी वीडियो चली है कि यहाँ पे जो है ना बोगस। आपके तावजात अपनी जगह पे है, मेरे साथ इस वक्त PTI के कुछ चेयरमैन जो हैं, UC चेयरमैन वो भी हैं। आप मुझे बताइएगा जो आपके पास 11-12 का फॉर्म आया था उसमें क्या रिजल्ट था? सर हमारे को तो पहली बात ये कि 11-12 के फॉर्म को हमारे को तकरीबन 6-7 जगहों पर अपना मतलब दिया नहीं था। सिंध गवर्नमेंट ने हमें वहाँ से धक्के देकर हमारे जो बैठे हुए थे ना अपना मतलब पोलिंग एजेंट उनको अपना मतलब बाहर निकाल दिया और ये दिया, और यहाँ पर आज हमारी जो लीड है 2100 अपना 21 अपना 53 उनकी है और 21 अपना 26 हमारी है। 26 वोटों का फर्क आ रहा है टोटल हमारा, ये हमारा राइट बनता है जी। नहीं सर आप एहतजाज नहीं कर रहे हैं, आज हमारी रिकाउंटिंग है जी बिल्कुल। यहाँ पर क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी जो है आलमगीर साहब जो हैं PTI के रहनुमा, उनसे भी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि 1:30 बजे तक उनके कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पर तमाम ही जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रही हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनान से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो जीते हुए हैं, लेकिन इस हवाले से जमात इस्लामी का ये कहना है कि क्योंकि उनके पास फार्म 11 और 12 के मुताबिक जो UC-1 है सफूरा की, उसके मुताबिक वो जो है जीते हुए हैं, तो तमाम पार्टियां इस हवाले से जो है वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए नजर आ रही हैं। और इस हवाले से अगर कराची की बात की जाए तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे कल आपने खेमाड़ी, ठीक है राजा इमरान, सारी सूरतेहाल से आप आगे रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मेयर बनाने की पोजिशन में नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी से इल्हाक जरूर किया जा सकता है और आने वाले वक्त में शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जमात इस्लामी अपना मेयर लाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना इत्तेहादी उनको बनाना होगा। लेकिन पंजाब में क्या सूरतेहाल बनेगी, निगरा वजीर आला कौन होगा? खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। खबर अब्बास, ये असेंबली की तहलील का मामला, चाहे परवेज इलाही साहब का मामला हो, हमजा शहबाज का मामला हो, कौन वजीर आला बनेगा, पहले ही इस पर झगड़ा होता रहा, फिर जनाब असेंबली की तहलील पर झगड़ा होता रहा, अब निगरा वजीर आला कौन बनेगा इस पर भी मुशावरत सही तौर पर नहीं हो रही है। पार्लिमानी कमेटी में बात जाएगी और हुकूमत की जानब से तो नाम अनाउंस कर दी गए थे, यानी परवेज इलाही साहब की जानब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, PDM की जानब से
कहा जा रहा है कि जनाब नाम अनाउंस किए जाएंगे और उसके बाद फिर हतमी फैसला पार्लियामानी कमेटी करेगी। खबर बताइएगा मजीद क्या होने जा रहा है। खबर आबाद से रबता करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे जनाब पंजाब की सूरत हाल क्या बनती चली जा रही है, क्योंकि तीन नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए थे और तीन नाम का कहा गया था कि जनाब ये निगरा वजीर आला के लिए पीडीएम की जानिब से दिए गए, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वो यही था कि दोनों जमातें एक दूसरे के नामों पर इत्तेफाक हरगिज नहीं करेंगी। फिर पार्लियामानी कमेटी में बात जाएगी और पार्लियामानी कमेटी भी इस बात का तायुन नहीं कर सकी, किसी एक चीज पर नहीं पहुंच सकी, तो फिर इलेक्शन कमीशन में ये मामला जाएगा। इससे पहले जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से पंजाब, उसमें वजीर आला कौन होगा, हमजा शहबाज होंगे, परवेज इलाही होंगे, इस पर एक तवील किस्म की जंग बहस चलती रही। उसके बाद फिर तहलील के मामले पर भी काफी ज्यादा मामला देखने में आया, अदालतों में मामला गया। अब निगरा वजीर आला के हवाले से भी जो मुशावरत है वो दोनों यानी हुकूमत और अब तो जाहिर सी बात है असेंबली तहलील हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पीडीएम के दरमियान मुशावरत नहीं हो पा रही और ये मामला पार्लियामानी कमेटी में जाता हुआ नजर आ रहा है। खबरबाज जी बताइएगा निगरा वजीर आला कौन होगा, पार्लियामानी कमेटी डिसाइड कर लेगी, वैसे आपको क्या लगता है? देखिए सलमान साहब, अभी तक जो है वो ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। दोनों जमातों की जानिब से पहले भी नाम जो आए थे वजीर आला पंजाब की जानिब से और जो है अपना अपोजिशन लीडर की जानिब से उनके नुमाइंदे की जानिब से, उस पर भी इत्तेफाक की राय ना हो सका। अब ये ठीक है जनाब, आपसे मैं मजीदी बात करूंगा। आईएमएफ का हुक्म है जनाब और शहबाज हुकूमत की जी हुजूरी है जैसा कि वो करते आ रहे हैं, 150 अरब रुपए से जायद का मिनी बजट तैयार कर लिया गया है, रवा माह ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। आरिफ मलिक बताइएगा जी, बताइएगा ये बाकी टीम का इजलास हुआ उसके अंदर ये फैसला किया गया कि मिनी बजट जो है वो लाया जाए, उस मिनी बजट के अंदर 150 से 200 अरब के जो है वो टैक्सेस अजाफी आयद करने जा रही है ये हुकूमत, और इसमें क्योंकि आईएमएफ से इनके ऊपर प्रेशर है, आईएमएफ के कहने के ऊपर ये चीजें रेट जो है बढ़ाए जा रहे हैं और इसके अंदर 5 घंटे ये इजलास हुआ। 2022 वोटर को भी देखेंगे पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।